बी टारगेट ओरिएंटेड। देखिए एज एंट्री टेस्ट स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर का जो मेरिट है राइट दिस इज ट्रिमेंडसली हाई राइट। तो आपको आपके एफएससी स्कोर का ऑलरेडी पता है। सो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अभी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको आपके बैटरी का स्कोर का पता है, इंटर का स्कोर का पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि एंट्री टेस्ट में मैं कितना स्कोर लूंगा तो मेरी जो परसेंटेज है ये 92 हो जाएगी राइट। सो आपने एग्रीगेट जो अपनी परसेंटेज है वो 92 बनानी है। सो 92% को जहन में रखते हुए आप खुद से कैलकुलेट करें कि एंट्री टेस्ट में आप कम से कम कितने मार्क्स लेंगे तो आपके 92% एग्रीगेट आपका बन जाएगा और आपका जो एडमिशन है वो सिक्योर हो जाएगा राइट। और आपका जो फोकस है अब से लेके इम्तिहान तक लाइक अ लेजर बीम ऑन योर एग्जाम रहना चाहिए कि भाई ये स्कोर है मैंने इस तरीके से अचीव करना है। सो बहुत ही अहम बात यह है कि आपने ओवरऑल टारगेट ओरिएंटेड रहना है राइट। लेकिन जब तक आप टारगेट सेट नहीं करेंगे तो उस टारगेट को अचीव करना ऑफ कोर्स दैट इज समवट इम्पॉसिबल राइट। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि एज एंट्री टेस्ट स्टूडेंट आप अपने एग्जाम के स्कोर का टारगेट सेट करें। आप लोगों ने जल्दी पढ़ना स्टार्ट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेली बेस पे कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे तो जाके आपका पूरे का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार होना है। याद रखना कि एंट्री टेस्ट के लिए ऐसा नहीं होता कि आपने जस्ट एक दफा सिलेबस को कवर करना होता है। जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने वाकई ट्रेमेंडसली हाई स्कोर करना होता है एमडी कैट में, वो तकरीबन 8 से 10 दफा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए अपने सिलेबस को रिवाइज करते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग द सिलेबस ओनली वन टाइम। सो आपने जल्दी पढ़ना स्टार्ट करना है और बहुत ज्यादा आप लोगों ने रिविजन्स करनी है तभी जाके आप एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर अचीव कर सकेंगे। ये ना सोचना कि एग्जाम लेट है। अगर मैं आपको ये भी बताता चलूं, अगर एमडी कैट फर्स्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 6 महीने बाद होगा, लेकिन फर्स्ट करें कि अगर 6 months भी डिले हो जाता है तो यकीन माने ये जो 6 महीने हैं ये भी कम होंगे क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है, आपने ज्यादा डिटेल में चीजों को स्टडी करना है। सो दिस इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। सेट डेली रूटीन। क्या रूटीन में जब आप कॉलेज में जाते थे या अकेडमी में जाते थे तो आप लोगों ने अपनी एक रूटीन बनाई हुई होती है राइट। तो जैसे सुबह उठने से लेके रात सोने तक आप लोगों ने पूरा डे का एक पैटर्न सेट किया हुआ होता है। लेकिन आजकल मेरी ऑब्जर्वेशन में ये आ रहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है राइट। उनकी कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है, लाइक जब दिल करता है वो उठ जाते हैं या सो जाते हैं या पढ़ लेते हैं, कोई पक्की रूटीन नहीं है। याद रखना कि जब तक आप एक अपनी स्टडी की पक्की रूटीन नहीं बनाएंगे, ना सिर्फ स्टडी की बल्कि अपने इवन जनरल लाइफ मैटर्स की भी, जब तक आप अपनी पक्की रूटीन नहीं बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर हासिल करना राइट। सो आप लोग अपनी डेली रूटीन सेट करें और इस रूटीन में भी कुछ चीजों का अपने ख्याल रखना है कि जो डे का फर्स्ट हाफ है, लाइक जैसे मैं कहता होता हूँ कि ये जो फजर के टाइम से लेके जोहर तक का जो टाइम है ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टाइम होता है, जिसमें आपकी एनर्जीज मैक्सिमम होती हैं, माइंड आपका फ्रेश होता है राइट। और नेचुरली आपने ओवरनाइट स्लीप ली भी होती है तो सुबह जब आप उठते हैं तो आपका जो ब्रेन है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस लेने की पोजिशन में होता है राइट। तो इसीलिए आपने डे के जो फर्स्ट हाफ है इसको आपने बहुत अच्छा यूटिलाइज करना है। बल्कि मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपको जो मुश्किल तरीन टॉपिक्स लगते हैं, लाइक जो भी आपको सब्जेक्ट मुश्किल तरीन लगता है, आप वो उठें और सबसे पहले आप उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें ताकि ताकि आप ओवरऑल ज्यादा अच्छा उसके अंदर परफॉर्म कर सके राइट। सो मुश्किल के साथ आपने अपने डे को स्टार्ट करना है। सो इसका डेली रूटीन सेट करने का सबसे अच्छा तरीका कार जो है वो ये है कि आप रात को सोने से पहले अगले पूरे डे को घंटों में डिवाइड कर लें राइट। और हर घंटे के अगेंस्ट आप फिक्स कर लें इस घंटे में मैंने ये काम करना है। तो इसमें जो अहम उसूल आपने फॉलो करना है वो ये करना है, एक तो अपनी प्रेयर्स के साथ अगर आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे ज्यादा अच्छा टाइम मैनेज होगा। इसके अलावा जो मुश्किल तरीन सब्जेक्ट्स हैं उनको डे के अर्ली हाफ के अंदर रख लें राइट। और सो आप डिफिकल्ट से इजी की तरफ ग्रेजुअली आप मूव करेंगे as long as as far as your day actually proceeds right। और इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब आपने सेल्फ स्टडी के लिए बैठना है तो तब आप लोगों ने अपने आप को डिस्ट्रेक्शन फ्री भी रखना है, आपने अपना जो ज्यादा फोकस है वो अपनी स्टडी की तरफ रखना है। तो
डेली रूटीन जो है अपनी, इसको आप सेट करें। जब आप डेली, जब आप एक पक्की रूटीन बनाएंगे तो 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते में आप एक अच्छी रूटीन तक पहुंच जाएंगे। खुद भी एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मेरे लिए जो बेस्ट रूटीन है वो कौन सी होगी। सो आप अपनी, लेकिन जो भी है एक पक्की रूटीन अपनी सेट जरूर करें आप। ये हाईली सजेस्टेड है फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। याद रखना कि कभी भी डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं लेता। ये एंट्री टेस्ट जो है ये गेम है फोकस की, तो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरीली फोकस करना पड़ता है ऑन योर स्टडीज वर्सेस स्कोर वेल ऑन योर फाइनल एग्जाम। तो अब बहुत, हम लोग बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस के साथ रह रहे होते हैं। अब जैसे आपकी लाइफ में सबसे टॉप की डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन सी हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ट्विटर है, या लाइक डिफरेंट डिफरेंट एप्स एंड टिकटॉक वगैरह। बच्चे बहुत सारा जो टाइम है वो इन चीजों के ऊपर वो वेस्ट कर देते हैं। जस्ट इफ यू आर हैविंग योर मोबाइल फोन लाइंग बाय योर साइड, तो इसमें मोबाइल फोन के अंदर बीसियों एप्स ऐसी होंगी जो कि वक्तन फक्तन आपका टाइम वेस्ट करते रहती, और इस तरह से चंद चंद मिनट करते करते आप डेली बेस पे कई कई घंटे वेस्ट कर देते हैं। राइट, सो अगर आपने एंट्री टेस्ट के अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्कोर लेना है, यू विल हैव टू लर्न टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। राइट, इसका जो बेस्ट तरीका कार है वो ये है कि आप लोग, ठीक है अगर आप सेलफोन वगैरह कैरी करते भी हैं, आप उसको कैरी करें, लेकिन उसमें जब आप सेल्फ स्टडी के लिए खासतौर पर बैठते हैं तो आपको ये चाहिए कि अपने सेल फोन को एरोप्लेन मोड पे लगा दें या उसको टर्न ऑफ कर दें, और उसको आप मे बी हर 3-4 घंटे के बाद तो आधा घंटा उसको दे भी दें, मे बी दैट्स वर्क वाइल। लेकिन ऑल द टाइम जब आप स्टडी कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपके सेल फोन पड़ा हुआ है, तो इस तरह से स्टडी को मैनेज करना खासा मुश्किल हो जाता है। दिस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट, ये इंतहाई अहम उसूल है। अगर आपने एंट्री टेस्ट में एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्कोर लेना है तो आपको एग्जाम के फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा। अब एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होता है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। यू सीन हियर, एमडी कैट में टोटल आपसे 200 MCQs पूछे जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में जो मोस्ट डैमेजिंग सबजेक्ट रहा है फॉर द एमडी कैट स्टूडेंट्स, वो कौन सा रहा है, दैट हैज रिमेन्ड द फिजिक्स। एमडी कैट के जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा जो मार्क खाते हैं एग्जाम में वो फिजिक्स से खाते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड जो डैमेजिंग सब्जेक्ट बच्चों के लिए रहा है दैट इज इंग्लिश, राइट, और थर्ड नंबर पे ये केमिस्ट्री, और फोर्थ नंबर पे बायोलॉजी। सो बायोलॉजी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। ओवरऑल बच्चों को ये सब्जेक्ट उल्टा हेल्प आउट करता है, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हो जिनकी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बायो वीक हो, लेकिन जनरलाइजेशन यही है कि मैं तो ओवरऑल स्टैट्स को देख रहा होता हूँ तो जनरली ऐसा ही है कि जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बच्चों को लगता है वो फिजिक्स, उसके बाद फिर नंबर टू पे इंग्लिश, थ्री पे केमिस्ट्री, और फोर पे बायोलॉजी। वेटेज वाइज बायोलॉजी नंबर वन पे है, केमिस्ट्री टू पे, फिजिक्स थ्री पे, और इंग्लिश फोर पे। अब हम एक एक सब्जेक्ट के टेम्परामेंट को थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि हर सब्जेक्ट का पेपर एग्जाम में आना किस तरीके से। ऑलराइट, तो इसमें अगर आप गौर करें तीन तरह के क्वेश्चंस होने हैं। एक क्वेश्चंस होते हैं मेमोरी बेस्ड, एक होते हैं एनालिसिस बेस्ड, और थर्ड नंबर पे क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, लाइक स्ट्रेट अवे इन्फॉर्मेशन बुक में दी गई है, आपने बस अगर उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर लिया आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। एनालिसिस वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं, लाइक ये मोर लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आपने बुक में जो पढ़ा हुआ है उसको इंटरप्रेट करके और क्वेश्चन के साथ रिलेट करके आप सही जवाब तक पहुंचते हैं। जबकि एप्लीकेशन क्वेश्चंस क्या होते हैं, दे गिव यू अ रियल लाइफ सिनेरियो एंड देन दे वांट यू टू अप्लाई सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल और सर्टेन बेसिक फार्मूला गिवन इन योर टेक्स्ट बुक टू अप्लाई ऑन दैट रियल लाइफ सिनेरियो एंड अनलॉक दैट सिनेरियो एंड रीच द राइट आंसर। राइट, सो ये तीन तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स को लेके ही, मेमोरी बेस्ड, एनालिसिस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आर प्रीटी सिंपल क्वेश्चंस, शॉर्ट इन हैंड, ऑल इन द हेड, फिक्स ऑल, सीधी बात पूछी है किताब में दी, आपने रिकॉल कर लिया, आपने बता दी। एनालिसिस में थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जबकि एप्लीकेशन ये हार्डेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको मैंने एक लॉक पकड़ा दिया और मैंने आपको साथ 100 कीज पकड़ा दी, भाई इन कीज में से कोई एक कीज के ऊपर लगेगी और ये अनलॉक होगा। राइट, सो फिजिक्स के अंदर आप देखेंगे एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं इनकी परसेंटेज ट्रेमेंडसली हाई है, और दिस इज अ बिग रीजन कि जो फिजिक्स का जो पेपर है बच्चों को ये खासा मुश्किल लगता है। राइट, सो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में
जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, लाइक 70%, 20% एनालिसिस और जस्ट 10% जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो फिजिक्स में एप्लीकेशन क्वेश्चंस किस लिए ज्यादा होते हैं? क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा अपीयर होते हैं। ऑलराइट, तो इसमें आप देखें हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, एनालिसिस एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस की परसेंटेज कम है। लेकिन ये जो एनालिसिस एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इनकी परसेंटेज कम है बट स्टिल दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अब देखिए जस्ट इमेजिन करें कि दो कैंडिडेट्स हैं और दोनों आपस में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हॉल के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब ने वोट डाल दिया है, बाहर से गेट क्लोज है, नए लोग नए बंदे ने किसी ने आना नहीं है, सिर्फ एक पर्सन ऐसा रहता है जिसने भी वोट अपना कास्ट करना है और जो दोनों कैंडिडेट्स हैं उन दोनों का के वोट्स ऑलरेडी बराबर हैं। तो अब कौन सा कैंडिडेट विन करेगा? वो जो लास्ट कैंडिडेट है वो जिसको वो जो एक कैंडिडेट जिसने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया था वो जिसको भी वोट डाल देगा वो वाला कैंडिडेट या वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि बेसिकली जो ये एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये कास्टिंग वोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्होंने आपके स्कोर का या अच्छे स्टूडेंट्स के स्कोर का जो टिपिकल क्रैमिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्कोर से डिफरेंट डिफरेंस क्रिएट करना होता है। जो मेमोरी वाले क्वेश्चंस हैं इनको मोर और लेस सारे स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 850 मार्क्स हैं या 900-950,000 मार्क्स हैं वो सारे इनको ठीक कर लेते हैं, लेकिन असल चैलेंज आता है एनालिसिस और एप्लीकेशन क्वेश्चंस का। तो इसीलिए ऑल्दो इनकी परसेंटेज कम भी है स्टिल आप लोगों ने क्या करना है, आपने एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस के ऊपर खास तौर पे फोकस जरूर करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम चलते हैं टुवर्ड्स द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में एक बिग परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस की वो मेमोरी बेस्ड की होती है, उसके बाद 40% एनालिसिस और 10% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बायोलॉजी का जो पेपर है मेनली ये मेमोरी और एनालिसिस के ऊपर फोकस कर रहा होता है, राइट? ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चंस आपको आने हैं वो 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें अब सेंटेंस कंप्लीशन है हमारे पास और इसके अलावा वोकैबुलरी है। अच्छा, ये जो सेंटेंस कंप्लीशन और वोकैबुलरी है, एग्जाम ट्रेंड ये है कि ये दोनों ही वोकैब बेस्ड है। यूएचएस ने एक शॉर्ट सी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है वोकैबुलरी के वर्ड्स की, 200 प्लस कुछ वर्ड्स हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन और इवन वोकैबुलरी में फर्दर सिनोनिम्स भी आ सकते हैं और एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, राइट? ज्यादातर एग्जाम में सिनोनिम्स पूछे गए हैं अब तक, लेकिन बल्कि 2011 से 2018 तक सिर्फ फोकस एग्जाम का सिनोनिम्स पर रहा है। 2019 में उन्होंने वोकैब को इंट्रोड्यूस कराया था, इसके अंदर एंटोनिम्स को इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सिनोनिम्स ही के आए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन अपीयर होगा वोकैब में से लाइक वो मोस्ट प्रोबेबली सिनोनिम्स होंगे, लेकिन एंटोनिम्स स्टिल चूंकि उन्होंने सिलेबस में मेंशन किए हैं आपने एंटोनिम्स को भी प्रिपेयर जरूर करना है। ऑलराइट, सो इसके अंदर देखिए इंग्लिश में उनका जो फोकस कहां पे है वो सेंटेंस कंप्लीशन और वोकैबुलरी पे है, और ये दोनों तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये वोकैब बेस्ड है। जबकि यूसेज और करेक्शन, यूसेज में स्पॉट द एरर, यानी कि एक सेंटेंस दिया गया है आपने देखना है कि वो चार जगह पे अंडरलाइन, आपने ये देखना है कि कहां पे उसके अंदर मिस्टेक है। और करेक्शन से मुराद क्या है? करेक्शन से मुराद ये है कि वो आपको चार एक ही बार वो चार मुख्तलिफ अंदाज से सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख के देते हैं, आपने सिंगल बेस्ट सेंटेंस को चूज करना होता है, राइट? सो ये जो दोनों क्वेश्चन फॉर्मेट्स हैं ये मोर लाइक ये ग्रामर बेस्ड, राइट? अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है ऑफ कोर्स आपके ग्रामर के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, राइट? सो दिस वाज अबाउट द इंग्लिश। सो मैंने आपको ओवरऑल एमडी कैट के हवाले से, इसके फॉर्मेट के हवाले से मैंने आपको बताया। अब मैंने ये बताया कि 200 एमसीक्यूज आने हैं और उसमें से फिजिक्स में से 40, केमिस्ट्री में से 60, बायोलॉजी में से 80 और इंग्लिश में से 20 क्वेश्चंस आने हैं। सबसे ज्यादा डैमेजिंग सब्जेक्ट एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी का है, राइट? और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि फिजिक्स ज्यादा एनालिसिस और एप्लीकेशन पे फोकस करती है और जबकि केमिस्ट्री और बायो ज्यादा मेमोरी और एनालिसिस पे फोकस करते हैं। इंग्लिश जो ऑफ कोर्स इसका डिफरेंट टेम्परामेंट है, इसमें जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जबकि जो यूसेज और करेक्शन है इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड द कॉमन सेंस। नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ठीक है? याद रखना कि हर वो चीज अहम है जो टेक्स्ट बुक के अंदर है और हर वो चीज अहम है जो आपकी टेक्स्ट बुक को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है।
तो यहाँ पे मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक के उन एरियाज की जो कि कंसिस्टेंट हैं विद यूएचएस सिलेबस। ऑफ कोर्स अब वो वाले एरिया सारे के सारे जो कि यूएचएस के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स आपने उनको फोकस नहीं करना, आपका जो फोकस है वो आपका फोकस होना चाहिए यूएचएस के सिलेबस के ऊपर होना चाहिए, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन द यूएचएस सिलेबस। तो याद रखना टेक्स्ट बुक जो है ये बेसिकली न्यूक्लियस है। अगर कोई भी ऐसा लेक्चर, इवन मैं कोई लेक्चर दूं और वो लेक्चर आपको टेक्स्ट बुक से डिविएट कर रहा है, या इवन टॉप ग्रेड का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको टेक्स्ट बुक से दूर लेके जा रहा है, अब उस क्वेश्चन को छोड़ दें, राइट? तो या कोई भी अगर अकेडमी वाले आपको टेस्ट देते हैं, बड़ी दफा बड़ी अकेडमी वाले ये करते हैं कि वो मुश्किल क्वेश्चंस के वो बहुत सारे रैंडम डिफरेंट बुक से वो आपको क्वेश्चंस देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एग्जाम वो मे बी कॉन्सेप्ट्स के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते होंगे लेकिन एग्जाम के लिए वो इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते। एग्जाम जो है वो टोटली फोकस करता है आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर, राइट? तो जो एग्जाम है वो आपके टेक्स्ट बुक के फोकस करता है। तो अब ये देखें कि मैं आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। लाइक यू सीन हियर, जस्ट इमेजिन करें कि ये हमारे पास टेक्स्ट बुक है। सो टेक्स्ट बुक इज द न्यूक्लियस ऑफ होल प्रेपरेशन। अब देखिए जो टॉप ग्रेड के लेक्चर्स हैं, फास्ट रीडिंग नोट्स हैं, हमारे जो टेस्ट हैं, क्वेश्चंस, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें किस चीज के ऊपर फोकस कर रही हैं? ऑफ कोर्स इन सब का जो न्यूक्लियस है वो टेक्स्ट बुक की है, राइट? सो हर वो चीज अहम है जो किताब के अंदर है और हर वो चीज भी अहम है जो किताब को समझने में मदद देती है, किताब के खास तौर पे वो वाले पोर्शंस जो कि यूएचएस के सिलेबस में गिवन है। सो वंस अगेन पंच लाइन यहाँ की ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लेक्चर, कोई भी नोट्स, कुछ भी ऐसा एकेडमिक कंटेंट अगर आपको मिले जो आपको टेक्स्ट बुक से डिविएट करता है, आप उसको छोड़ दें, वो एग्जाम में नहीं आना, राइट? एग्जाम में क्या आना है? एग्जाम में वही आना है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है। All right. English is the only exception, जिसमें vocab of course उसे बाहर और grammar एक general thing है, लेकिन at least sciences के बारे में ये जो मैं statement दे रहा हूँ, ये 100% true है। अब कई दफा बच्चे कहते हैं कि सर कई दफा questions जो हैं वो rarely syllabus से बाहर भी आ जाते हैं। देखें अगर कभी कभी खुदा ना खास्ता कोई एक दो questions 200 सवालों में से syllabus से बाहर आ भी जाएं, तो अब उन एक दो सवालों के चक्कर में अब सारे के सारे syllabus को आप compromise नहीं कर सकते, राइट? तो आपने इस चीज पे फोकस करना है कि क्या चीजें मेरे हाथ में है, बजाय कि आप उन चीजों पे फोकस करते रहे कि जो आपके हाथ में नहीं है। देखिए अगर सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आना है तो हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स हैं, तो उनमें से कहीं से भी आ सकता है। अगर आप उन सबको भी तैयार करने बैठ जाएंगे तो जो आपके प्रॉपर टॉपिक्स जिनमें से 100% आपको पता है कि क्वेश्चन आने आने हैं, अब उनको भी कॉम्प्रोमाइज कर बैठेंगे। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर टेक्स्ट बुक्स तक महदूद रहें, उनको फोकस करें और आप टेक्स्ट बुक्स को बार 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 पढ़ें। एक चैप्टर को आप दसवीं मरतबा भी और पढ़ते हैं तब भी उसमें से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जरूर निकल आती हैं जो कि पहले आपको नहीं पता होती, राइट? सो नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। देखिए एग्जाम के अंदर तीन तरह के क्वेश्चन एरियाज होते हैं, जो आपके कह रहे हैं कि जो आपके सिलेबस के अंदर एरियाज हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी अहमियत तीन तरह से है। एक वो एरियाज हैं जो कि मैं कहता हूँ हाई यील्ड है या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? ये वो एरियाज हैं जहां पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वहां से पेपर बहुत ज्यादा आता है। फिर दूसरे मीडियम यील्ड एरियाज हैं जहां पे आपको दरमियानी मेहनत करनी पड़ती है और वहां से एग्जाम में पोर्शन भी दरमियाना आता है। और थर्डली लो यील्ड एरियाज हैं, ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत लेंथी हैं, जिनके ऊपर आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन वहां से एग्जाम में पोर्शन कम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, आपने सारा सिलेबस थॉरली प्रिपेयर करना है, लेकिन आपने ज्यादा टाइम उस कंटेंट पे लगाना है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। तो अभी लास्ट ईयर के सिलेबस में यूएचएस ने टीओएस या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जिसको कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चंस को उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो प्रीवियस जो 7-8 सालों से चल रहा था वही वाला ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो वो टॉपिक्स जो पहले इंपॉर्टेंट हैं वो अभी इंपॉर्टेंट हैं, वहीं से ज्यादा एग्जाम में पोर्शन अपीयर भी हो रहा है। तो टॉप ग्रेड में हमने जो लेक्चर्स डिलीवर किए हैं वहां पे जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट वेज में फोकस किया है कि इस एरिया से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ऑफ कोर्स वो एरिया एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो मेजर एरियाज, एक आपके सेल बायोलॉजी और एक आपके जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी सेक्शंस हैं, इन सबको मिला लें, इन दो एरियाज से आधे से भी ज्यादा पेपर बनता है। आप कह सकते हैं कि 60% पेपर जो है वो इन्हीं दो एरियाज के ऊपर बेस्ड है, राइट? तो अब देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी
आपने इसको इसकी इसकी एक एक लाइन जो बुक में लिखी गई है आपने उसकी निटी ग्रिटी तक जाना है, आपने ऑल एंगल से उसको प्रिपेयर करना है, राइट। जबकि अब देखें कि एक इसमें बालाजी में सिलेबस में एक है जिसमें वो फाइव किंगडम्स का उन्होंने कहा हुआ है, तो उसमें अब देखेंगे चैप्टर नंबर 6 to 10 या 5 to 10 आप सारे के सारे प्रिपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ चैप्टर नंबर 5 में जो किंगडम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को आप कम्प्रीहेंड कर लेंगे। एग्जाम में अगर 2-3 क्वेश्चन वहां से आने हैं वहीं से बस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, आपको चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे सारे चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, right? So once again, you have to focus more on most likely to be tested areas, anticipate questions, right? यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि if you want to learn how to find something, you must first learn how to type something. If you want to learn how to answer a question, you must first learn how to write a question. The point I want to generate is whenever you are studying your textbook for the preparation of entrance exam, always keep in mind that how the questions will be asked on your final exam. Always keep in mind certain words like what, when, where, which, why, how, who. Think like scientists, think like critics, think like paper setters, think like teachers, think like examiners. Sada lafzon mein main ye baat kehna chahta hu ki jab bhi kabhi आपने एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए अपनी किताब को पढ़ना है, आपने एक ऐसा हाइपोथेटिकल चश्मा लगा के किताब को पढ़ना है कि आपको टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चंस नजर आए ना कि ब्लंट टेक्स्ट नजर आए, राइट। एंड देन यू रीड योर टेक्स्ट बुक इन क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस, फिर आप अपनी किताब को पढ़ें उन क्वेश्चंस के आंसर्स की तलाश के लिए, राइट। सो क्वेश्चंस को एंटिसिपेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं सर हम तो फर्स्ट टाइम एंट्री टेस्ट दे रहे हैं तो हमें क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आना है। That's why top grade is there. हमने अपने lectures में past questions को रखा है, question trends को discuss किया है, review notes में रखा है, even हमने overall ये कहने के question bank के अंदर जो all possible questions यहाँ topic के उनको incorporate कर दिया, उनको feed कर दिया होगा। तो ये भी एक अच्छी approach है, अगर आपके concepts already अच्छे हैं या अगर आप एक repeater हैं तो आप पहले maybe जो भी topic आप prepare करने लगे हैं आप पहले वहां से 15-20 questions का test attempt कर लें और उसके बाद फिर आप क्या करें, फिर आप टेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि सवाल की मदद से जो आप पढ़ेंगे ना वो आपकी बड़ी ज्यादा टारगेटेड स्टडी होगी। देखिए जब आपके माइंड में जस्ट एक टॉपिक है उस टॉपिक को लेके आपके दिमाग में 15-20 कंफ्यूजन हैं और जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं तो आप एक्टिवली पढ़ते हुए उन कंफ्यूजन को फिक्स कर रहे हैं, तो इससे एक तो आपकी स्टडी एग्जाम डायरेक्शन में चली जाती है और सेकेंडली आप ज्यादा एक्टिवली ज्यादा इंटरेस्ट के साथ बुक को पढ़ते हैं और ज्यादा आप नॉलेज उसको रिटेन करते हैं, राइट। सो एंटिसिपेटिंग क्वेश्चंस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपने अपना जो टेम्परामेंट है उसको बिल्कुल काम एंड कूल रखना है। आपको पूरे दिन में किसी के साथ भी जाके सख्त अल्फाज में या टफ वर्ड्स के अंदर बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक दफा भी गुस्सा चढ़ा लिया अपने आप को उस चक्कर में आपने अपने कई घंटे वेस्ट कर लेने, राइट। तो मेंटली अपने आप को अपने हेल्दी रखना है, काम कूल रखना है और फिजिकली हेल्दी भी रखना है। इसके लिए आप एक्सरसाइज करें, अगर घर से बाहर नहीं भी जा सकते तो होम वर्कआउट के नाम से एक ऐप है, एंड्रॉइड पे भी iOS पे भी, आप उस ऐप को इंस्टॉल करें, कोई क्लियरली आपको डेली बेस पे डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाता जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअलाइज्ड वे में और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। सो एक अच्छी बॉडी के अंदर ही अच्छा माइंड होता है, सो यू हैव टू लर्न टू स्टे हेल्थी फिजिकली एज वेल। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू स्टे मेंटली एंड फिजिकली हेल्थी। बहुत सारे बच्चे वो मेंटली सिक हो जाते हैं या फिजिकली स्ट्रेस की वजह से वो अनवेल हो जाते हैं और उस वजह से बेचारे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते। देखें एज अ स्पोर्ट्समैन आपका स्पिरिट क्या होना चाहिए कि आपने अपने आप को जहनी तौर पर जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि ऑन द डे ऑफ द स्पोर्ट्स जिस दिन आपने खेलना है, जिस दिन आपका मैच है, उस दिन आपने परफॉर्मेंस देनी, राइट। तो उस दिन के लिए भी अपने आप को हेल्दी रखिए। स्टे मोटिवेटेड, पैशनेट एंड क्रेजी। अगर आप अपने एग्जाम को लेके मोटिवेटेड नहीं है, अगर आप पैशनेट नहीं है, अगर आप मजबूरी के तहत कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से कर रहे हैं, पेरेंट्स के कहने पे कर रहे हैं या इस सोच के साथ कर रहे हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे दाखला ना हुआ, तो गॉड फॉरबिड यू आर नॉट गोइंग टू विन, राइट। सो आपके अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिव, यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड और आपको पैशनेट होना चाहिए अपने एग्जाम को लेके, जोश और खरोश के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। इस हद तक पैशनेट हो जाइए लोगों को लगे ये बंदा क्रेजी, राइट। सो यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, पैशनेट एंड क्रेजी ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन पीरियड सो दैट यू मे परफॉर्म वेल ऑन द फाइनल एग्जाम।